पीपल्स पार्टी का इतवार को एमकेएम की रैली के जवाब में रैली निकालने का ऐलान। इमरान खान ने कहा अंदरून सिंध के लोग कराची पर हुकूमत करते हैं, वज़ीर आज़म कराची में नफरतें पैदा करना चाहते हैं। सईद गनी की घनगरज, बोले नवाज शरीफ के झूठ या सच का फैसला आवाम ने करना है। तकरीर पर पाबंदी का फैसला दानिशमंदाना नहीं है। सख्त आमिराना अदवार में भी नुक्ता नजर को दबाया नहीं जाता। सूबे में स्कूल्स बंद करने का कोई भी फैसला नहीं हुआ, अगर केसेस बढ़े तो स्कूल ही नहीं बहुत कुछ बंद करना पड़ेगा। चार अक्टूबर बरोज इतवार दोपहर 2 बजे पीपल्स पार्टी कराची के ज़ेर एहतमाम एक रैली हम निकालेंगे जिसका आगाज आयशा मंजिल से होगा। हमारा वज़ीर आज़म जो नाइल भी है, नालायक भी है, सिलेक्टेड भी है, अब वो लिसानियत की सियासत को सूबा सिंध में परवान चढ़ाने का एक बहुत बड़ा हथियार बना। अब वज़ीर आज़म एमकेएम के नारे को लेकर आगे बढ़ा रहा है और सूबा सिंध के लोगों में तकसीम पैदा करना चाहता है। इस मुल्क में जो सख्त तरीन आमराना अदवार रहे हैं उन अदवार में भी ये नहीं होता रहा। फैसला करना लोगों का काम है कि जो लोग इस मुल्क के लोग हैं वो फैसला करें कि नवाज शरीफ ठीक बोलता है कि गलत बोलता है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर आप टीवी चैनल्स पर इस तरह पाबंदी लगा देंगे कि आप उसकी आवाज़ रुकेगी नहीं।